किसी भी भाई बंद का एक भी सिलेंडर में 500 रुपए का इन्होंने कम किया हो, किसी की भी 100-200 यूनिट माफ की हो, किसी भी किसान की यूनिट माफ करी हो, किसी का भी उन्होंने कर्जा माफ किया हो, किसी को भी इन्होंने भर्तियों के अंदर अब तक किसान राजस्थान के युवा साथियों को नौकरी दी हो तो मुझे दिखा दो भैया। राजस्थान में चुनावी साल के शुरू होते ही राज्य की दोनों विपक्षी पार्टियां अपनी कमर कस चुकी हैं। एक तरफ जहां सीएम अशोक गहलोत प्रदेश भर में महंगाई राहत कैंप के जरिए जनता के बीच जाकर फिर से सरकार रिपीट करवाने की अपील कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी बीजेपी सरकार को घेरने के लिए पूरे प्रदेश में हर रोज एक नए जिले में जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है। यात्रा के जरिए बीजेपी नेता राजस्थान के लोगों को सरकार की खामियां गिना रहे हैं। इसी सिलसिले में 28 अप्रैल को धौलपुर बीजेपी ने जिला मुख्यालय में जन आक्रोश महाघेराव कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने भार्गव वाटिका से लेकर जिला कलेक्ट्रेट तक जुलूस निकालकर गहलोत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं सरकार की विफलता को लेकर डीएम को ज्ञापन भी सौंपा। बीजेपी के इस महाघेराव कार्यक्रम में अलवर के सांसद बाबा बालकनाथ ने भी भाग लिया और अपने संबोधन में गहलोत सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। की कमी नहीं है, जिस प्रकार से राजस्थान में पिछले 60-70 सालों से ये कांग्रेस सरकार चल रही है, ये आज तक आजादी के बाद में जितनी भी सरकारें बनी हैं सबसे भ्रष्ट और सबसे निकम्मी सरकार है। ये गांव-गांव में हमारा एक एक बुजुर्ग, बच्चा बच्चा, जवान, युवा, हर वर्ग के लोग एक बात को कह रहे हैं कि ऐसी सरकार नहीं देखी जिन्होंने न केवल भ्रष्टाचार के साथ साथ में हर एक स्तर पर जनता का शोषण किया है। नौकरियों के मामले में देखें तो जनता की नौकरियां खा गई, पेपर लीक के मामले हों, किसानों से धोखा कर ये सरकार बनी, दस्तक की गिनती गिनी थी जो आज तक 4.5 साल में पूरी नहीं हुई। जिस प्रकार से यहाँ पर हर एक विधानसभा में, यहाँ धौलपुर की बात करेंगे तो धौलपुर के अंदर जितने भी इनके कांग्रेस के जनप्रतिनिधिगण हैं उनके द्वारा जिस प्रकार से गुंडागर्दी की जा रही है, निर्दोष लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाना, अवैध रूप से जमीनों पर कब्जे करवाना, अवैध रूप से जो खनन का काम है उसको संचालित करना, ये व्यापक स्तर पर राजस्थान में बढ़ा है। और जो मैं मानता हूँ कि जिस प्रकार से खनन की लूट जो राजस्थान में हुई है, अशोक गहलोत ने दो बार अपनी कुर्सी बचाई, दोनों बार ही अपने समर्थित कांग्रेस के विधायकों को सबको जिस प्रकार से खाने अलॉट की गई हैं, ये राजस्थान की जनता नहीं भूल रही है। एक एक चीज का हिसाब लेंगे और इन लोगों ने जो राजस्थान की जनता का पैसा लूटा है, राजस्थान की जनता के साथ अत्याचार किया है, तुष्टीकरण की राजनीति के माध्यम से राजस्थान की जनता को बांटने का जो इन लोगों ने काम किया है, इन सभी का हिसाब होगा। इसके अलावा अलवर सांसद बालकनाथ ने गहलोत सरकार के हर मोर्चे को विफल साबित बताते हुए महंगाई राहत कैंप को ढोंग बताया है। सांसद ने कहा कि पूरे 4.5 साल तक सरकार ने कोई काम नहीं किया और अब महंगाई राहत कैंप के नाम पर दुकान चला रही है, लेकिन दुकान में कोई सामान ही नहीं है। राजस्थान की जनता समझती कि 4.5 सालों तक तो राजस्थान की जनता का खून तुमने पिया और अब तुम जाते जाते के समय पर ऐसी बातें कर रहे हो, खाली ये बातें ही बातें, बातों के अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे महंगाई कैंप का जो इनका नाटक है ये शुरू होगगा, ये खत्म होगा जुलाई तक। राजस्थान में बजट पास हुआ, जनता को ख्याल रखा गया ना, 500 रुपए का सिलेंडर कर दिया। कहाँ कर दिया, आपको मिल गया? नहीं, मेरे को नहीं मिला लिया क्या? अरे मिलाई तो नहीं, 100 यूनिट इन्होंने 12, इन्होंने 10वीं के स्कूल को 12वीं कर दिया, हिंदी को इंग्लिश मीडियम बना दिया। आज कहाँ मिली, मेरे को एक बिल भी दिखा दो, मेरे को एक बिल दिखा दो किसी को मिली हो तो। ये खाली इनके ढोसलेबाजी है, खाली इनकी घोषणाबाजी है केवल, और इसके अलावा कुछ नहीं है। 10वीं के स्कूल को 12वीं कर दिया, खाली नाम बदलने से 12वीं का स्कूल नहीं होता है। जब तक उसमें टीचर नहीं होंगे, जब तक उसमें कमरे नहीं होंगे, जब तक उसमें लेबोरेटरी नहीं होंगी, जब तक वो 12वीं का स्कूल नहीं कहलाया जाता, खाली नाम लिखने से बोर्ड पर कि ये 12वीं का स्कूल कर दिया गया, ऐसे नहीं होता है। इन लोगों ने 4.5 साल तक ऐसे ही मनोरंजन राजस्थान सरकार का किया है। किसी भी भाई बंद का एक भी सिलेंडर में 500 रुपए का इन्होंने कम किया हो, किसी की भी 100-200 यूनिट माफ की हो, किसी भी किसान की यूनिट माफ करी हो, किसी का भी उन्होंने कर्जा माफ किया हो, किसी को भी इन्होंने भर्तियों के अंदर अब तक किसान राजस्थान के युवा साथियों को नौकरी दी हो तो मुझे दिखा दो भैया। बता दें, अलवर सांसद ने अपने संबोधन में गहलोत सरकार पर तुष्टीकरण का भी आरोप लगाया। बाबा ने कहा कि सरकार सिर्फ एक विशेष समुदाय के लोगों के लिए काम कर रही है। हिंदुओं के त्योहार पर धारा 144 लगाकर रोक लगाई जाती है, जबकि किसी को खुलेआम सड़क पर गुंडागर्दी करने दिया जाता है।